वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, दोस्तों, भाइयों, अजीज तहरीकी साथियों, किमाड़ी अस्सलामुअलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी वादे पर नहीं आए हैं, एक इरादे पे आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला तामीर और तरक्की का ये इरादा, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का ये इरादा, अपने हक के लिए लड़ने का ये इरादा, और ये इरादा सब मिलकर इस मुल्क से और इस शहर से जबर के खात्मे की फैसला कुन जंग की तैयारी। आप सबको इस मुत्तहदा जद्दोजहद में शरीक होने पर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया है कि आपके रूबरू, आपके सामने, आपके साथ मिलकर एक नया और ताज़ा ख्वाब देखें, एक नई और ताज़ा जद्दोजहद शुरू करें और ईमान बना लें कि पाकिस्तान के ऐवानों में आम पाकिस्तानियों को जब तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के ऐवानों में नहीं पहुंचाएंगे जिन्होंने आम पाकिस्तानियों का दुख और दर्द देखा है, जिसने लाइन में लगकर पानी भरा हो, जिसने बस में लटक के सफर किया हो, ट्यूशन पढ़ के अपनी तालीम जो 90-98% आम पाकिस्तानी है, आपको मुबारक हो, आप उसकी जद्दोजहद में आज शरीक हो रहे हैं। और हम यहां पर इलेक्शन जीतने नहीं आए हैं, आपका दिल जीतने के लिए आए। हमने परवाह नहीं की है क्या आपने बैलेट बॉक्स में हमें एतमाद का वोट डाला है या नहीं। हमारी ये मजबूरी है, हमारा ये वादा है, हम पे ये फर्ज है कि अगर हमारे पास इख्तियार और इख्तदार आएगा तो वो हमारे लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए होगा, चाहे वो कोई भी जबान बोलते हो, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हो, किसी भी फिक्र मसलक, फिरके और मजहब से ताल्लुक रखते हो। ये मेरे दीन ने भी और मेरे वतन की जिम्मेदारी ने भी हमें यही सिखाया है। तो आज जैसे कि अभी आप एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर से बात कर रहे थे, ये कौन बात कर रहा था आपसे कि जिसने एक मिडिल क्लास का नौजवान, जिसने मौका मिला तो ये नहीं देखा कि कहां से वोट पड़ा है और कहां से नहीं पड़ा, जहां से वोट पड़ा उसको भी पानी फराहम किया, जहां से वोट नहीं पड़ा उसको भी पानी फराहम। ये हमारी तारीख, जिन्होंने निफसदी से जिनको वोट दिया था उन्होंने उनके लिए हक में एक कतरा पानी का इजाफा नहीं किया। आज पाकिस्तान कराची में, कराची के हर इलाके में जितना भी पानी है और जैसा भी पानी है एमक्यूएम के दौर में ही मिला है। और इंशाअल्लाह ताला आज आपके पास आना इसलिए जरूरी था कि इस तहरीक को खत्म करने वाले खत्म हो रहे हैं, इस तहरीक का रास्ता रोकने वाले हाथ दम तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह एक बेहतर, मजबूत, मुनज्जम एमक्यूएम चाहती है कि खुद हम आगे ना बढ़े, सबको साथ लेके चले, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो।
तो हम खुशहाली के कामयाबी के इल्म के रोशनी के नए और ताजा सफर में चाहते हैं कि केवाड़ी हमारे साथ खड़ा हो। और यहां पर आप के जो उम्मीदवार हैं इनके पास सिर्फ किरदार की डिग्री के अलावा और कुछ नहीं, और यही हमारा वादा है। कामयाबी से ज्यादा वादा यह है कि अगर ये जीत भी गए तो जिस किरदार के साथ यहां आपके सामने खड़े हैं उसी किरदार के साथ इंशाअल्लाह ताला रुखसत होंगे। हम नहीं चाहते कि अब आने वाला अच्छा दौर, तरक्की और खुशहाली का दौर कराची के कुछ इलाकों तक महदूद रह जाए। हमारे लिए यह हमारा आज आपसे वादा है कि इलेक्शन में हम जीतें या ना जीतें, हम यहां जरूर आएंगे, उस हर चीज को तकसीम करेंगे आपके साथ, हर चीज मिलकर। लेकिन हमारा ख्वाब यह है, हमारी ख्वाहिश यह है कि ये काम हमें कहीं और से आगे ना करना पड़े, यहां पर आपका अपना नुमाइंदा हो जो आपको आके आपके साथ खिदमत करे। उस खुशहाली और नए दौर को में इस किवाड़ी को भी पूरा हक है कि कराची के साथ और बढ़ते हुए पाकिस्तान के साथ कदम ब कदम मिला के आगे चले। दोस्तों और भाइयों, जो लोग पाकिस्तान पर 70 साल से काबिज हैं उनका इस पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। जागीरदारों और सरमायादारों से पाकिस्तान के ऐवान भरे रहते हैं। कोई एक ऐसा आदमी, किसी हारी का बेटा, किसी किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी क्लर्क का बेटा, किसी ठेले वाले का बेटा, किसी रक्षा चलाने वाले का बेटा कभी ऐवानों में नहीं पहुंच पाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लोग यहां बैठे हैं, बात कर रहे हैं, जो आपके रूबरू हैं, इन्होंने गुजरे हुए 30 सालों में इस ऐवानों को, इस रवायात को शिकस्त दी है। हमने गन्ने के मशीन पर काम करने वाले भी एक आम इंसान के बेटे को जो पढ़ा लिखा था उसको हैदराबाद का डिप्टी मेयर बनाया, एमएनए बनाया, एक टैक्सी चलाने वाले को मलीर से एमपीए बनाया। जो लोग ट्यूशन पढ़ाकर जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जागीरदाराना जमहूरियत में सरमायादारों की असेंबली में अल्हम्दुलिल्लाह एक इलाका ऐसा है जहां पर आम पाकिस्तानी बैठा है, वो पाकिस्तानी बैठा है जिसने आम पाकिस्तानियों की तरह दुख और दर्द बर्दाश्त किया है, जो आम पाकिस्तानियों के मसले से वाकिफ ही नहीं है बल्कि उससे नबर्द आजमा रहा है। तो मैं आज माड़ीपुर के लोगों से कहता हूं कि आप खड़े होइए, आप खुद जीतिए, अपने उम्मीदवार को जिताइए, आपकी बात ऐवानों में आप जैसा कोई कर रहा हो। यही हमारा ख्वाब है, यही हमारा पैगाम है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस कौम को जबानों, फिरकों, मसलकों और मजहबों में तकसीम करके रखा था। हमारे नजदीक पाकिस्तान में दो ही कौमें रहती हैं, एक अमीर एक गरीब, दो ही तबके हैं, एक हाकिम दूसरा महकूम, दो ही लोग हैं, दो ही जबानें, एक नफरत की जबान, एक जबर की जबान, एक मोहब्बत की जबान। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पर मुसल्लत
70 साल से मुसल्लत एक इन हुक्मरानों को, इन जागीरदारों को, इन सरमायादारों को, इन पेशावर सियासतदानों को, इस मौरूसी सियासत को एक खानदानी हुकूमतों के खात्मे के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र करते हैं कि हम किमाड़ी और माड़ीपुर पे आके खड़े हैं, हमारी बात पहुंच रही है और ये अपनी जगह भी जरूर बनाएगी। आइए वादा कीजिए अपने आप से भी और हमसे भी, और हम आपसे वादा करते हैं, जिस दिन इंतखाबात का नतीजा आ रहा होगा तो माड़ीपुर भी जश्न मना रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। हमने आपको दो बेहतरीन उम्मीदवार दिए हैं, शायद कराची के चंद बेहतरीन उम्मीदवारों में से ये दो भी हैं जो आपकी किस्मत में आए, और मैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनकी कामयाबी इस इलाके में एक नए वक्त, एक नए अहद, एक नए दौर का आगाज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, रात के इस पहर तक तब्दीली को, एक तामीर को, खुशहाली को और गरीबों की तहरीक को इस गली से दोबारा पा एक नई जान, एक नए ईमान के साथ पूरे पाकिस्तान में इस लहर को पहुंचना है और इंशाल्लाह पहुंच के दम लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बुजुर्गों, मेरी माओं, बहनों, तमाम जुबानें बोलने वालों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।